भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। लीजा भाई, अब तो हल्दी भी लगा दी, अब जाओ। हाँ जाइए। अभी आप सब जाइए जाइए और शादी की तैयारी कीजिए, मेरे घर वाले आते ही होंगे। जाइए जाइए। जीजा भाई, हमें नहीं लगा था कि भीम के आए से पहले तुम्हारे घर से कोई भी शादी में आई। अरे सच कह रहे हैं, इसलिए हमरी मानो तो भीमराव के वापस आए के बाद शादी करो। काली जुबान, अरे अब छोड़ पर आई आए जीजा भाई। अरे घर में घुस के मारा मैंने पागल करके नाटक कर रहा था। चुप 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 चुप, काहे वो पागल के मुंह लग रही है, है? चल चलिए चल। जाओ जाओ, अपने बेटे को लाने जाओ। लेकिन मजा आ गया। कैसे भीम के तड़प के साथ मेरे साथ बैठे रहे थे। क्या हुआ, सब डर गए? आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। कहां तो भीम को लगता था कि तुम सब आओगे, उसको छुड़ा के ले जाओगे। यहां तो सब जम गए हो। भीम का बाप भीम को ले जाने के लिए आया है। हो वही रुक जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। सैनिक, जान की परवाह किसे, मार दीजिए गोली। बाबा बाबा आगे मत बढ़िए। राम जी, ये तो चेतावनी थी, फौज से रिटायर हो इसीलिए तुम्हें इतना सम्मान किया, और अगर एक कदम और बढ़ाया सच में गोली चला देंगे। मार दीजिए गोली, मार दीजिए। वैसे तो पहले ही गोली मार देनी चाहिए थी, रुक क्यों गए? फौज का रिटायर्ड सूबेदार हूं, गोलियों से नहीं डरता। अगर आप मेरे बेटे को ऐसे ही लेकर जाएंगे तो मैं चुपचाप यहां खड़ा होकर देखता नहीं रहूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही ना। ठीक है तो बढ़ाओ कदम, इस बार कोई लिहाज नहीं, सीधा गोली सीने में लगेगा।
बाबा आगे मत बढ़िए, बाबा आगे मत बढ़िए। भीम मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। बाबा आप पहले घर चलिए ना, देखते हैं आगे क्या करना। रमा मैं अपने बेटे को छोड़कर ऐसे नहीं भाग सकता। भैया आप समझाइए ना। हाँ भीम। चलिए ना, जिद क्यों कर रहे हैं आप। बाबा घर चलिए, हम बाद में देख लेंगे क्या करना है, अभी चलिए यहाँ से। हाँ तो भीमराव कुछ हुआ ही नहीं, सब आए और खाली हाथ चले गए, अब क्या? देखिए सर, आपने बेवजह मुझे बंदी बनाकर रखा है, मेरे परिवार को तकलीफ दे रहे हैं, ये जानते हुए कि जीजाबाई जी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। भीमराव पहले तो भ्रमण था कि सब आएंगे तुम्हें बचा के ले जाएंगे, और जब वो कुछ नहीं कर पाए तो दुहाई देने लगे, लेकिन अब देखो मैं क्या क्या करता हूं। भैया भैया क्या क्या हुआ, भीम कहाँ है, ठीक तो है ना वो? हाँ वो ठीक है, लेकिन उनके कब्जे में, और अभी उन्हें छुड़ाना ठीक नहीं है। छुड़ाना ठीक नहीं, इसका मतलब वो क्या ऐसे नहीं छूट सकता है? नहीं, मुझे लगता है हमें अपने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेना चाहिए और फिर उनके दफ्तर को घेर कर कुछ ना कुछ करके भीम को यहाँ से छुड़ा कर ले जाना होगा। नहीं भैया, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, आगे क्या करना है सोचते हैं, फिलहाल घर चलते हैं। रमा तुम्हें अंदाजा भी नहीं, वो लोग भीम के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर सकते अब, अभी घर चलते हैं हम। चलो। पर आखिरकार वो भीम गिरफ्तार हो ही गया। अब वो वही रहेगा। अब बस ये साबित हो जाए कि जीजाबाई पागल हुई नहीं है, बल्कि पागल होने का नाटक कर रहे हैं, तो मजा आ जाए। अरे होगा मेरे बच्चों, जरूर होगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, अपनी जीत तय है। सुना था ना वो सयाजी महाराज के अधिकारी क्या बोल रहे थे, अगर राम जी दोषी हुआ तो उसे फांसी पर लटकाएंगे। है ना ये कमाल की बात है? सारी जिंदगी भीमराव सत्य की लड़ाई लड़ता रहा, और देखो आज उसका बाप ही असत्य की सजा पाएगा। वैसे बाबा आप कहे तो राम जी की शादी देखने चलते, बड़ा मजा आएगा। हाँ बोल तो तू सही रहा बेटा, मजा तो आएगा, पर इसको थोड़ा और मजेदार करते हैं। राम जी की शादी में जाने से पहले सयाजी महाराज के अधिकारी के पास चलते हैं, थोड़ा मसाला। चलो। आज फिर से मेरी उनके साथ शादी होगी, फिर से मैं दुल्हन बनूंगी। जब शादी करके आई थी तब उस भीम के कारण मेरे सारे अरमान अधूरे रह गए थे, आज मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, बस बस वो लौट कर आ जाए और वो भीम ना आए। नहीं आया भीम। मैं आया हूं, बताओ क्या करूं, कपड़े बदल लूं या पाउडर लगा लूं, थोड़ा सा सुंदर लगूंगा, या फिर नहा धोकर तैयार हो जाओ, बताओ।
क्या करूं? मैं जो कहूंगी वो करेंगे आप? नहीं करने का विकल्प मेरे पास है कहां? बताओ क्या करना है? ऐसे खड़े खड़े देख क्या रहे हैं आप? लगाइए गले। अगर नहीं लगाऊंगा तो तुम चाल के लोगों को इकट्ठा करोगी, उनसे कह दोगी कि तुम पागल नहीं हो, और फिर भीम बड़ौदा चला जाएगा, यही कहोगी ना? एकदम सही कहा आपने, अब लगाइए गले। ए बुढ़िया, ये आदमी कौन है तेरा? ये मेरा भाई है। भाई है? वो देखा, शादी के पहले ही कैसे मुझे गले लगा रहा था। वैसे मुझे भी अच्छा लग रहा था, पति हो या होने वाला पति हो, गले लगाएगा तो अच्छा ही लगेगा ना। अच्छा भीमराव, एक बात बताओ, ये जीजाबाई सच में पागल है या तुम्हारे बाबा ने ये जानबूझकर किया है कि तुम बड़ौदा ना जा सको? देखिए, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ ये नहीं कह सकता कि वो जीजाबाई जी सच में मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। लेकिन ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बाबा ने ऐसी कोई साजिश नहीं रची होगी जिससे मैं बड़ौदा ना जा पाऊँ। हमें लगता नहीं है। नहीं भीमराव, मुझे नहीं लगता ऐसा। देखिए सर, मैं फिर एक बार विनती करता हूँ आपसे, मुझे इस तरह से बंदी बनाकर रखने से आपको क्या मिलेगा? मुझे जाने दीजिए, मैं घर परिवार को अकेला छोड़कर आपके साथ नहीं आ सकता। नहीं, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते भीमराव। अरे क्या कर रहे हैं साहब, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप। मुझे लगा अनजाने में आपसे कोई पाप ना हो जाए, इसीलिए बिन बुलाए चले आए। पाप? कैसा पाप? साहब, किसी के बाप की शादी है, बताइए, और आप उसे उसके बाप की शादी में शामिल नहीं होने दे रहे हैं, तो अनजाने में ही सही आपसे पाप तो हो रहा है ना। किसके बाप की शादी हो रही है? अरे भीमराव बताओ ना कि तुम्हारे बाप राम जी की फिर से शादी हो रही है, बताओ। अच्छा, राम जी इसलिए जल्दी में थे कि उनके बेटे को छोड़ दे
ताकि वो उनकी शादी में शामिल हो सके। एकदम सही समझा साहब आपने। हर बाप चाहेगा ना कि बेटा उसकी शादी में शामिल हो। राम जी चाहते होंगे कि उसका बेटा भी उसकी शादी में शामिल हो। मैं तो कहता हूं साहब आप इस भीमराव को लेकर चलिए राम जी की शादी देखने। हाँ हाँ लेके चलेंगे, हम भी तो देखे शादी जहां बेटा अपने बाप की शादी फिर से देखेगा। ढंग से बात कीजिए सर, आपका काम आपका दायरा और आपका कर्तव्य पूरी व्यवस्था को ढंग से चलाने का है, ना कि किसी के व्यक्तिगत जीवन को मजाक बनाना। और मेरे बाबा चाहे जो करे, आप सबको उससे क्या मतलब है? अरे 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 देखिए साहब, देखिए कैसे जबान लड़ा रहा आपसे, जरा भी शर्म लिहाज है ही नहीं इसमें कि आप सामने बैठे। अरे ऐसे इंसान को तो छात्रवृत्ति मिलनी नहीं चाहिए थी, पर आप और सयाजी महाराज इतने उदार स्वभाव के हैं कि इस इंसान को भी आपने छात्रवृत्ति दे दी। बावजूद इसके देखिए, इसमें आकर देखिए कि इसने अनुबंध को भी तोड़ दिया, फिर भी आप इसे मोहलत पे मोहलत दे रहे हैं। अरे ऐसे इंसान को तो सजा मिलनी चाहिए साहब। पता नहीं आप सबको कैसा लग रहा होगा, पर सच तो ये है कि ये इस भीमराव की हरकतें महाराज की पूरी कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। सर आपकी इतनी सी भी बात मानता है ये भीमराव? आप ही के यहां, आप ही के सामने खड़ा है, पर जब आपने कहा कि अपने बाप की शादी जो फिर से हो रही है उसको देखने जाए तो उल्टा आप ही को सुना दिया। बताइए सैनिकों, ले चलो इसे इसके चौल में ताकि अपने बाप की शादी देख सके। योगुबाऊ कपड़े में लोहा हो गया हो तो लाओ जल्दी, भाई शादी के लिए तैयार भी तो होना है। अरे हाँ हाँ बस देते हैं अभी। कोई गवाह अरे शोभा, अरे तुम भी तैयार हो जाओ। आप सब लोग हो रहे हैं तैयार ना, तो हो जाइए अच्छे से, मुझे क्यों तैयार होने के लिए कह रहे हैं? अरे बेचारी तैयार होगी कैसे, समझ आएगा तब ना कि कौन सी साड़ी ये पहने। अब पति भागा है, जिंदा है या मर गया पता नहीं, अब तुम सब लोग ही तय करो कि कौन सी साड़ी ये पहने, सुहागन वाली या विधवा वाली, बताओ। अरे बताओ, तुम लोगों को तय करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपना अपना काम करो, चल शोभा। अरे ये भी सही है, देखो अरे बोल कौन रहा है जिसे खुद को कभी पति का सुख ना मिला हो। अरे तब इन्हें तो दोनों माँ बेटी बनी है, पति के ना होवे का दुख तो दोनों का ही है ना, तो दोनों मिलके वह दुख का बाटा तुई। चलो छोड़ो, ले तुम लोग अपन कपड़ा, ये लो तुम्हार कपड़ा और इतेश बाबू तुम्हार। मुझे अच्छे से साड़ी पहना दे, पहना दे। इधर नहीं, इधर पैरों के आकर। देखती जा, धीरे धीरे पागल बनकर नौकर बना दूंगी। हे, तेरा पति कहाँ है? बाहर। बाहर किधर? महाराज के सैनिकों ने
गिरफ्तार करके ले गए। गिरफ्तार करके लेके गए मतलब वो लोग तो कभी भी उसे गोली मार देंगे, फिर विधवा हो जाएगी तू। आई कुछ भी मत बोली। हाँ अरे मैं तो सिर्फ संभावना बता रही थी कि तू विधवा भी हो सकती है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरे लिए विधवा वाली साड़ी लेकर आऊंगी। तू गरीब लगती है, पैसे नहीं होंगे ना तेरे पास, मैं लेके आऊंगी। हाँ